अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका नाम हजरत? मेरा नाम अब्दुल समद है जी। चलिए आइए, मैं आपको सरकार ऊँट वाले बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार के बारे में और जगदलपुर कब्रिस्तान के बारे में बताता हूँ। आइए आप। ये सरकार सैयदना ऊँट वाले बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह है जी। अब सरकार यहाँ पे कई सौ साल से आराम फरमा रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि सरकार अपने ऊँटनी में तशरीफ लाए थे जगदलपुर जी, और सरकार का फिर यहाँ पे कयाम हुआ। सरकार की ऊँटनी की कब्र भी आगे मौजूद है। चलिए आइए, मैं आपको दिखाता हूँ जी। और सरकार का ये करम है। विलायत में ऐसा बताया जाता है कि वलियों को बहुत सारे अलग अलग जगह पे अल्लाह ताला मंसूब करता है, जैसे एक महापौर, विधायक, अलग अलग पद होते हैं जी जी। तो ये शहर के कुतुब हैं, इनसे जगदलपुर का निज़ाम चलता है जी। तो ऐसे हर जगह पे आपको अलग अलग पाए के बुजुर्ग मिलेंगे जी। आइए मैं आपको दीदार कराता हूँ। हज़रत का नाम हज़रत बाबा फरीद मश्त अली शाह रहमतुल्लाह ताला है, अलमारूफ ऊँट वाले हज़रत बोलते हैं। तो ये सरकार की ऊँटनी का कब्र है जी। यहाँ पे ये सरकार की ऊँटनी आराम फरमा रही, सरकार इसी में तशरीफ लाए थे जी। और सरकार का यहाँ कयाम हुआ करता था, फिर सरकार का यहीं पे विसाल हो गया गालिबन। तो तब से सरकार यहाँ आराम फरमा रहे हैं और सरकार के फैज़ो करम से पूरे जगदलपुर फैज़याब हो रहा है। और इनके सदक़े में आज पूरे जगदलपुर में जो रौनकें हैं, जो पूरे कौम के लोग आते हैं यहाँ पे, हर कौम के लोग आते हैं और हर कौम के लोग दुआएं मांगते हैं जी। और अपने अपनी मुरादों को पूरा पाते हैं। तो हर किस्म के लोग यहाँ पे आपको मिलेंगे जी। आज दिन भर ज़ायरीन आते रहेंगे और माशाल्लाह यहाँ से कोई नाउमीद होके नहीं जाता। ये सरकार का बहुत बड़ा करम है, फैज़ान करम है जी। और आज बाद नमाज असर 5:30 बजे के लगभग आसपास जी चादर पोशी का अहतमाम होगा। उसके बाद फिर रात में आम लंगर का अहतमाम रहेगा, लेडीज़ जेंट्स दोनों में, मर्दों में, मुस्तरातों में। और उसके बाद फिर रात में तकरीर का भी अहतमाम रहेगा जी। फिर तकरीर के बाद प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा जी। तो हजरत, आप सब देख सकते हैं, हम ऊँट वाले बाबा के दरगाह शरीफ के अंदर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे सब ज़ियारत में मशगूल है। ये अपने बाबा साहब का मज़ार पाक है। हजरत, आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सैयदुल मुरसलीन या खातमुन नबीन या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हज़रत सैयदना
शेख फरीद मस्त अली शाह उर्फ मारूफ अल मारूफ ऊँट वाले हज़रत का उर्स मुबारक है। और इस मौके पे आज सुबह चादर पोशी और फातिहा उलमा इकराम और तमाम जगदलपुर के बाबा से मोहब्बत करने वाले जायरीन यहाँ पे शामिल हुए। आज दिन भर का कार्यक्रम है, 4 बजे तकरीबन या असर के पास पास चादर पोशी फिर से होगी या बजाय मुस्तफ़ा उर्स कमेटी और कब्रस्तान कमेटी की तरफ से लंगर भी है रात में। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा के बारे में जो बुज़ुर्ग हैं जी पुराने, वो लोग बचपन उनका बचपन में उन्होंने देखा है जी कि ऊँट गाड़ी थी और ऊँट में चलते थे जी, इसलिए उनका नाम ऊँट वाले बाबा जी आम बोलचाल में रखा गया जी। और अवाम में ये मारूफ हो गया कि ऊँट वाले हजरत है जी। और पहले हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ पे टी सेट बनाया, फिर मज़ार बनाया जी, और अभी सबके टाउन से बड़ी मज़ार बन रही है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इस कब्रस्तान में भी आसपास गार्डन और जितना भी हो सके हर आदमी यहाँ पर खिदमत करता है। अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वालों का उर्स मनाना जी सुन्नत वल जमात का ये पहचान है जी। और शरई तरीके से यहाँ पे ढोल बाजे नहीं बजा के जी रात में तकरीर प्रोग्राम है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह सब ये लोगों की मेहनत है जवानों का जी, हमारे शहर के सब लोग रात भर दिन भर तैयारी करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल होता है जी। और हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदके में, इमाम हसन हुसैन के सदके में जी, और ऊँट वाले हुजूर अमीन शरीयत के सदके में, ऊँट वाले हजरत सदके में हम सबको नेक हिदायत दे दें और ईमान की दौलत अता फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो हजरत ये अपने बाबा जी का मतलब यहाँ पे जगदलपुर बस्तर में आना कब हुआ था? ये पुरानी मौरखीन या इतिहासकार ऐसा कोई लेखन तो है नहीं जी, मगर सीना बा सीना ये बताया है जी। शेख रहमूर करसाई साहब है जी, जो हमारे साबिक सदर सलीम जके वाली साहब जी, हाजी नजीर साहब जी को उन्होंने बताया कि हम बचपन में जी देखे कि इधर ये जो धर्मपुरा जाने का रोड है जी, हम गाड़ी में पीछे बच्चे हैं जी बैठ जाते थे जी जी, लटक जाते थे जैसे अमूमन बच्चों का एक होता है जी। उसकी तारीख नहीं बता पाया कोई जी, जी कब तशरीफ लाए थे, मगर थे जिसके गवाह बहुत से बुजुर्ग हैं जी जी। अस्सलाम वालेकुम। पकड़िए